हेलो फ्रेंड्स, क्यूब ऑफ एनी टू डिजिट नंबर यानी दो अंकों की किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना। वन से लेके नाइन तक के क्यूब तो आपको पता ही होंगे, जैसे वन का वन, टू का एट, लाइक दैट। नाइन का क्यूब 729 और बाकी टू डिजिट नंबर के क्यूब हम इसके द्वारा, मतलब 11 से लेके और 99 तक के क्यूब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो सबसे पहले हम कोई भी एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 12 का क्यूब, ठीक है। तो 12 का क्यूब करना है हमें, तो इसको करने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखें। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये आपको पता ही है। और इस ट्रिक में क्या किया गया, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो एक्स स्क्वायर बाय और प्लस 2x स्क्वायर बाय, उससे ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आपकी मल्टीप्लाई करने की गलती भी नहीं होगी। और इसी तरह इसको किया हमने x बाय स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर। तो अब देखते हैं इस ट्रिक में आपको पता चल जाएगा कैसे किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर प्लेसेस ऐसे रख लेते हैं, 1 2 3 4, और इसके नीचे फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को छोड़ के और जो मिडिल के दो हैं इनके नीचे दो स्पेस और बना देते हैं। बस अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन का क्यूब, एक्स हमने वन को मान लिया और वाई हमने मान लिया टू को। तो पहले क्या करेंगे हम, वन का क्यूब फ्रेंड्स वन ही होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई यानी वन का स्क्वायर वन और इंटू टू, तो कितना हो गया, टू हो गया। तो यहां पर लिख देंगे हम टू। फिर हमें क्या करना है, एक्स वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करें टू का स्क्वायर हो गया 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 बंदा 4, तो यहाँ पर रख दिया हमने 4। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड नंबर का यानी वाई का क्यूब यानी 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 8, तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया। अब कुछ नहीं करना है हमें, ये जो मिडिल में दो स्पेस छोड़े हुए हैं खाली, इनको क्या करना है, इस नंबर का डबल कर दीजिए, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, और इनको फ्रेंड्स सारे को ऐड कर दीजिए। तो 8 और 4 12, कैरी ओवर में आया हमारा 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, तो यहाँ पे आ गया 7 और ये आ गया 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 1728 हमारा 12 का क्यूब हो गया। देखिए कितना आसान है। अब इसमें सवाल ये आता है, कई बार कंपटीशन में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह है या सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार ये हमें इससे मदद मिलती है। जैसे मान लीजिए अभी कोई पूछता है कि 1.2 का क्यूब याद करिए। अब 1.2 का क्यूब याद करना है तो इसका मतलब सिंपली अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 12/10 और इसका क्यूब हो गया। अब 12/10 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 12 का क्यूब तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला है, 1728 और अपॉन में 10 × 10 × 10 यानी 1000। तो अब इसमें क्या है, 3 जीरोज हैं, तो ऊपर 3 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा यानी 1.728। अब इसको डायरेक्ट लगाने की ट्रिक क्या है कि अगर 1.2 क्यूब यानी 12 का क्यूब आपको आता है तो आप यहाँ पे कितने डेसिमल, कितने डिजिट्स बाद है, 1 डिजिट बाद है, तो 1 × 3 यानी 3 डिजिट्स बाद आपको डेसिमल प्लेस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि ये 0.12 इसका क्यूब निकालना है आपको, तो बहुत ही आसान है, आप 1728 सबसे पहले लिखिए और उसमें क्या करिए, यहाँ पर 2 डिजिट्स बाद है तो 2 × 3 = 6 यानी 6 डिजिट्स लानी है, तो 1 2 3 4 5 6 देन पुट द डेसिमल और 0, तो ये हो गया 0.001728। ये मैंने इसलिए बताया कि कई बार सिंप्लीफिकेशन में ये मेथड काम आ जाता है। तो अब देखते हैं अपन कोई दूसरी संख्या का क्यूब लेते हैं। अब ले लेते हैं हम मान लीजिए 21 का क्यूब। अब 21 का क्यूब अब आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर का क्यूब करिए, यहाँ पर 4 प्लेसेस बना दिए, 1 2 3 4, और फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के इसके नीचे 2 प्लेसेस बना दिए, 2 का क्यूब 8। अब 2 का स्क्वायर 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 बंदा 4। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 2 = 2 और 1 का क्यूब फ्रेंड्स 1 होता है, यहाँ पे लिख दीजिए, 4 का डबल हो गया 8, 2 का डबल हो गया 4, इनको कर दीजिए ऐड, 4 1 का 1 4 प्लस 2 2 प्लस 4 6 और 8 + 4 = 12 हो गया, कैरी ओवर में बनाया 8 + 1 = 9 हो गया, ये आ गया आपका आंसर, मतलब 9261। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक और नंबर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं
42 का क्यूब, 42 का क्यूब करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, 1, 2, 3, 4, फोर प्लेसेस बना लिए। 4 का क्यूब 64 यहां पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करिए, 32 यहां लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 फोर द 16 यहां पे लिख दिया। अब हम 2 का क्यूब करेंगे और यहां पे लिख देंगे 8। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे प्लेस को, यहां पे दो प्लेसेस पे इनका डबल कर देंगे, 32 का डबल 64 और 16 का डबल 32। अब इनको ऐड कर दीजिए, 8 का 8 आ गया। अब देखिए यहां पे 16 और 32 कितना हो गया फ्रेंड्स, 48। तो 48 का हम एक ही डिजिट यहां पे लिखेंगे, 8 यहां लिख देंगे, 4 कैरी ओवर में ले लेंगे। अब देखिए यहां पे कितना हो गया, ये 64 और 32 कितना हो गया, 96, और 96 प्लस 4 कितना हो गया, 100। तो 100 का 0 यहां लेंगे और 10 कैरी ओवर में ले लेंगे, 64 प्लस 10 यानी ये आ गया हमारा 74। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड्स 74088, करेक्ट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या फायदा होता है, अगर आप इतना बड़ा करेंगे इसको, इसी को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और ले लेते हैं हम लास्ट वाला, उसको भी आप देखिएगा तो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको 72 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 स्पेस बना लिए, 7 का क्यूब 343 होता है, वैसे आपको 9 तक के क्यूब याद कर लेने हैं, तो यहाँ पे 343 हमने लिख दिया। 7 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, 343। अब हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का स्क्वायर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 49 इंटू 2 कितना हो गया फ्रेंड्स, 98 हो गया। तो यहाँ पे हम 98 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 28। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 8। अब हम यहां फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच वाले प्लेसेस पे इसका डबल करेंगे, तो 98 का डबल कितना होता है फ्रेंड्स, 196। तो यहां पे 196 लिख लेंगे, और 28 का डबल कितना होता है 56। ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है। अब देखिए यहां पे एक एक डिजिट हम लेते जाएंगे और बाकी जो बचेगा उसको कैरी ओवर में नेक्स्ट में फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो यहां पे तो 8 ही है तो लिख देंगे। अब यहां पे देखिए 28 और प्लस 56, तो 28 प्लस 56 कितना होगा फ्रेंड्स, 84 हो गया। 84 का हम 4 यहां पे लेंगे और 8 कैरी ओवर में ले जाएंगे। अब देखिए यहां पे 98, इसमें 2 चाहिए इससे ले लो, 100 हो गया। अब इसको 4 चाहिए वो भी इससे ले लो, तो ये 200 हो गया। अब इसमें से 6 चला गया, तो 200 प्लस 100 302 हो गया, तो 302 में से 2 यहां रख दिया और 30 हमारा कैरी ओवर में चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 30 कैरी ओवर में चला गया तो इसको लिख दीजिए, 0 प्लस 3 3 हो गया, और 3 प्लस 4 7 हो गया, और 3 का 3 आ गया, क्योंकि यहां पे लास्ट के बाद में कोई नंबर ही नहीं है जहां कैरी करना है। तो इस तरह से 373248 यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है इसमें, हमने इसको माना है x, इसको माना है y। पहले हमने x का क्यूब किया, यहां रख दिया, उसके बाद हमने x स्क्वायर y लिया, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, x स्क्वायर y मतलब 7 का स्क्वायर 49, और उसका बाद में y को हमने 2 माना है, तो 49 इंटू 2 किया, यहां पे रख दिया, 98 हो गया। उसके बाद में हमने एक्स वाई स्क्वायर लिया, x को 7 है, y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 4 द 28, 28 को हमने यहां रख दिया। उसके बाद हमने y किसको माना है, 2 को माना है, 2 का क्यूब किया, 8 को यहां रख दिया। अब उसके बाद में क्योंकि हमने यहां पे x स्क्वायर लिया और यहां पे x वाई स्क्वायर लिया, इसका मतलब 2x स्क्वायर y यहां पे और लेना था, तो हमने इसका डबल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये 3x स्क्वायर y हो गया। इसी तरह यहां पे x वाई स्क्वायर लिया था और यहां पे 2x वाई स्क्वायर और लेना था, तो हमने इसका डबल कर दिया और उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।